सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उसी क्लास की दूसरी कड़ी इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। तो उर्दू जबान की इब्तिदा पर मुख्तलिफ नजरिए और उसका एक सही नतीजा कि बहुत सारे नजरिए जबान की पैदाइश, उर्दू जबान की पैदाइश को लेकर की गई है। कोई कहता है पंजाब में पैदा हुई, कोई कहता है सिंध में पैदा हुई, कोई कहता है दिल्ली में पैदा हुई, कोई उड़ीसा को उर्दू की जाय पैदाइश कहता है कि उड़ीसा में, कोई कहता है बिहार में उर्दू पैदा हुई। ऐसा नहीं है, जो उसका सही नजरिया है उसे हम दलील के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने पहला नजरिया पेश किया और उसकी तर्दीद भी पेश की कि यह उर्दू की पैदाइश को लेकर यह नजरिया जो है ये गलत है, सही नहीं है। तो हम सही नजरिया उस वक्त पहुंच पाएंगे उस नजरिए तक जब हम सभी नजरिए को पढ़ लेंगे और जो दलील और ठोस सबूत के साथ जो नजरिया होगा उस नजरिए को हम सही मानेंगे। तो एक नजरिया पेश करने के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे नजरिए की तरफ कि दूसरा नजरिया उर्दू की जाय पैदाइश को लेकर क्या है। तो उर्दू की पैदाइश के ताल्लुक से दूसरा नजरिया यह है कि कई जबानों की आमेजश और इख्तलात ने उर्दू को जन्म दिया। मौलाना इमाम बख्श सहबाई, डॉक्टर ग्रेसन और डॉक्टर हॉनले वगैरह इस नजरिए को पेश करते हैं। देखिए, एक नजरिए को कई कई लोग पेश कर रहे हैं तो हर उस माहिर लिसानियात का अलग अलग नजरिया पेश करके जानबूझकर मामले को तवालत देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने एक तरह के नजरिए पेश करने वालों को एक जिम्न में रखा है। तो इमाम बख्श सहबाई, डॉक्टर ग्रेसन और डॉक्टर हॉनले वगैरह दूसरे नजरिए को पेश करते हैं और इमाम बख्श सहबाई का नजरिया कुछ यूं है कि फारसी के बाद अल्फाज और हिंदी के अक्सर लफ्जों में कसरत इस्तेमाल के सबब तखय्युर व तबद्दुल वाके हुआ और इस खला मला से जो बोली मुरव्विज हुई उसका नाम उर्दू ठहरा। ये जो है पंजाब में उर्दू मौलाना महमूद शेरानी साहब की किताब के दूसरे इशाक में शाई हुई थी ये नजरिया। इस नजरिए की तायीद करते हुए डॉक्टर हॉनले लिखते हैं, मतलब दूसरा नजरिया जो इमाम बख्श सहबाई ने पेश किया कि बहुत सारी जबानें मिलकर उर्दू जबान बनी, इसी नजरिए की तायीद में डॉक्टर हॉनले भी लिखते हैं कि उर्दू मुकाबलतन हाल की पैदावार है। दिल्ली के नवाब में जो मुस्लिम इख्तदार का मरकज था, उर्दू 12वीं सदी ईस्वी में पैदा हुई। ये इलाका ब्रिज मारवाड़ी पंजाबी के लिए संगम की हैसियत रखता था। मकामी बाशिंदों और मुसलमान सिपाहियों के इख्तलात व इर्तबात से एक मिली जुली जबान वजूद में आई जो सरफी और नहवी उसूल की हद तक ब्रिज है मगर इसमें पंजाबी और मारवाड़ी की आमेजश भी है। इसके कुछ अल्फाज देसी हिंदी में और कुछ विदेशी यानी फारसी और अरबी में हैं। ये दूसरा नजरिया, दूसरे नजरिए की तारीफ में डॉक्टर हॉनले लिखते हैं। दूसरे नजरिए की तारीफ में डॉक्टर ग्रेसन ने भी उर्दू जबान के मखलूत होने पर कायल हैं और वो लिखते हैं कि उर्दू कवायद और फिरहन अल्फाज के लिहाज से मखलूत आम और मुश्तरक जबान है। इसमें शुमाली हिंदुस्तान की मकामी बोलियों के अलावा अरबी, फारसी, तुर्की और तेलुगु जबान के अल्फाज शामिल हैं। इसके सरफी नहवी कवायद में शुमाली हिंद की आम बोलियों से खुशा चीनी की है और इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं कि वो किसी एक मखसूस जबान से तरक्की पाकर बनी है। अलबत्ता बाद में ग्रेसन ने अपना नजरिया बदल लिया था और सही नजरिए की तरफ कायल हो गए थे। ये दूसरा नजरिया जिसकी तारीफ तीन लोग करते हैं, शौकत सब्जवारी अपनी किताब दास्तान जबान उर्दू में इसकी तर्दीद करते हैं इस तरह कि किसी जबान के लिए दूसरी जबान से अखज व इस्तेफादा आम और
की बात है। दुनिया की हर छोटी बड़ी और तरक्की याफ्ता जबान ने फातेह अक्वाम की जबान से इस्तेफादा किया है। इसके अल्फाज और कलिमात की आगोश खोलकर पजीराई की। अंग्रेजी ने फ्रांसीसी की विसातत से लातीनी अल्फाज साबते लाहिते जमा के कायदे तस्किर और तानीस के उसूल बड़ी बेतकल्लुफी के साथ कबूल किए, जो आज अंग्रेजी के मिजाज में दखील है। उर्दू ने अरबी और फारसी के अनासिर के साथ इतनी बेतकल्लुफी नहीं बरती और ना ही ये अनासिर उर्दू की फितरत में जज्ब हो सके। इसके बावजूद उर्दू को उर्दू वालों ने मुसलमानों की साख्ता व परदाख्ता जबान बना दिया। अंग्रेजी वालों में से किसी ने भी मौजूदा अंग्रेजी की पैदाइश को नॉर्मन फुतुहात का नतीजा करार नहीं दिया। मंदरजा बाला इत्तेबास से पहले नजरिए की भी तर्दीद करता है। तमाम माहिर लिसानियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई जबान मखलूत नहीं होती। दो या तीन जबानें मिलकर किसी एक नई जबान को जन्म नहीं दे सकती। हाँ, ये मुमकिन है कि एक जबान दूसरी जबानों के अल्फाज और कलिमात से इस्तेफादा करके इसके कवायद और तराकीब से सिंगार करके और अपने हुस्न को निखार ले। उर्दू भी एक वसी जबान है। इसने अपने आगोश में कई जबानों के अल्फाज व कलिमात को ले लिया और इससे इस्तेफादा करने के बाद आज हमारे सामने पुरकशिश, पुरलुत्फ और शीरी जबान बनकर पेश है। उर्दू ने दूसरी जबानों के अल्फाज और परछाइयों को अपने अंदर जगह दी और इन जबानों से मुमताज होती चली गई। उर्दू की शीरीनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने बहुत सारे जबानों के अच्छे अल्फाज और को अपने अंदर समो लिया और वक्त के साथ निखरती गई।